क्योंकि मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो जब भी मैसेज करते हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आप नात पढ़ेगा या सुनिएगा तो अपने सर पे दुपट्टा रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट होता है। मैं किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं ऐसी जगह जाती हूँ, अपने हिंदू भाई बहन के घर जाती हूँ या उनके यहाँ कुछ ऐसा भगवान से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल होता है तो फिर तभी ये चीज ओढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिस्पेक्ट देना होता है। तो वैसे आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो एक नात लेकर के आई हूँ जो कि जिंदगी में मैं पहली बार सुनूंगी। इससे पहले मैंने नात कभी नहीं सुनी है कि वो कैसा साउंड करता है, वो क्या होता है। कई सारे लोग हमें कुछ थोड़ा बहुत पता है कि वो नात एक सॉन्ग नहीं होता है। आज जिनकी हम नात सुनने जा रहे हैं वो है सायदा अरीबा फातिमा की, जो कि एक नात है लजपाल नबी मेरे, तो जो कि हम नहीं सुने हैं। तो बिना देरी के इस नात को सुनते हैं, फिर लास्ट में हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें ये नात सुन के कैसा लगा। तो ये हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। लेकिन अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी के अभी जाकर के वॉच आउट करिए, हमें बेहद अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की नात लजपाल नबी मेरे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लजपाल मेरे कर्मले वाले, लजपाल मेरे सरकारले वाले, लजपाल मेरे सरकारले वाले, लजपाल लजपाल
अम्मा जी की जो नात थी अजपाल नबी मेरे, वो इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून भरा लग रहा था। उनकी वॉइस एक नंबर की थी, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसकी जो क्वालिटी वो और अच्छी तब हो गई थी क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही थी ये इस नात को और ब्यूटीफुल बना रही थी, क्योंकि जो इसकी म्यूजिक थी ना वो फील करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी आप नात को सुनिए या कोई इस तरीके की म्यूजिक सुनिए, लीड लगा करके ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो अंदर तक महसूस होने लगती है। तो मुझे जो ये फातिमा जी की नात है बहुत प्यारी लगी, बहुत सुंदर, बहुत सुकून भरा लगा। आपको कैसा लगा ये रिएक्शन? इसमें रिएक्शन क्या था, मैं क्या इसमें रिएक्शन दूँ? जो मैंने फील हुआ वो मैंने बता दिया। तो इस तरीके के जो नात है वो हमें कमेंट करके लिख के बताइएगा कि मैं और कौन सी नात है या कौन से ऐसे वीडियोस है जिसपे मैं रिएक्ट कर सकूं, क्योंकि ये नात मैंने पहली बार सुना था। और जो इसमें पंजाबी शब्द थे, मैं पंजाबी थोड़े बहुत जानती हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैं नहीं समझ पाई। मैं बीच में वीडियो के बोलती हूँ तो कई सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो के बीच में मत बोला करिए, तो अब मैं वो वर्ड भूल चुकी हूँ कि मुझे कौन से वर्ड आप लोगों से पूछना था। तो मैंने बीच बीच में इशारा किया है कि हाँ मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, तो अगर आपको पता चल जाए तो हमें उस वर्ड का मतलब ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।